हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मोहित। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 3 क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, हमें देखने के इसमें से कौन से मैटर्स हैं। मैटर्स दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया मैटर्स 3 स्टेट होती हैं उसके लिए, लिक्विड गैस सॉलिड। देखेंगे अब ऑप्शन में चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब हम इसका आंसर देखेंगे। एनी थिंग्स विच हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ मैटर। चेयर, एयर, स्मेल, एलिमेंट्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे। मैटर हैं हमारे चेयर, एयर, स्मेल, एलिमेंट्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। चेयर हमारी सॉलिड हो गया, एयर आती है हमारे गैस में, स्मेल हो गया गैस, एलिमेंट्स हो गया सॉलिड, कोल्ड ड्रिंक हो गया लिक्विड, स्मेल ऑफ परफ्यूम हो गया गैस। क्वेश्चन 2 गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमें इसमें रीजन देना है जो दिखाएगा। द स्मेल, अब हम पढ़ेंगे द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मैटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अब हम इसका आंसर देखेंगे। इवोपोरेशन इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स हॉट फूड इवेपोरेट्स इजीली। डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर विद एयर बिकम्स वेरी फास्ट एंड कैन रीच टू अ डिस्टेंस प्लेस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। दोस्तों मैं दोबारा से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ टेम्परेचर, मीन्स हॉट फूड इवेपोरेट्स इजीली। यानी दोस्तों की गर्म फूड जो खाना होता है वो ईजीली इवेपोरेट्स हो जाता है, और डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर विद एयर बिकम वेरी फास्ट है, और डिफ्यूजन ऑफ मतलब गर्म खाने के साथ डिफ्यूजन ऑफ वेपर विद एयर बिकम्स वेरी फास्ट, बहुत ही आसानी से जल्दी भी हो जाता है। एंड कैन रीच टू अ डिस्टेंस प्लेस विद अ वेरी शॉर्ट टाइम, और वह बहुत कम समय में भी हो जाता है, बहुत कम समय लेता है इस वेपर में बदलने में। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। अब हम इसका आंसर देखेंगे। द फिनोमेना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर शो दैट मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। दोस्तों मैंने आपकी पिछली में भी बताया, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके दोबारा देख लीजिए कि लिक्विड में स्पेस कम होता है पर सॉलिड में स्पेस होता ही नहीं, और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, और गैस कम स्पेस वाटर में होता है, वाटर मतलब लिक्विड में होता है, तो इसी कारण डाइवर उसे कट कर लेता है। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब हम इसका नेक्स्ट आंसर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, उसमें अट्रैक्ट करने का फोर्स होता है। और फोर्थ देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, वो बहुत छोटे होते हैं और आंखों से भी दिखाई नहीं देते। मैं दोबारा से आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों। पहला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, मतलब उनके बीच में जगह होती है मैटर में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वे हमेशा मूव करते हैं। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बैटर, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वह बहुत छोटे होते हैं। अब हम पेज नंबर 6 का देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। दोस्तों ये बहुत पेपर में आता है और ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है क्लास में या बहुत टेस्ट में आ जाता है, तो इसे ध्यान से देखिए। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी।
density equals to mass volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. अब हम इसका आंसर देखेंगे. We can solve this question by keeping this concept in mind. The correct order of density of a gas, liquid and solid. पहले वो गैस, गैस से ज़्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड्स. दस अब नीचे दोबारा देखेंगे. एयर एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनीज, वाटर, हनी. एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज गैस हो गया, वाटर एंड हनी हो गया लिक्विड, कॉटन, चॉक एंड आयरन सॉलिड हो गया. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ डेंसिटी दिखाया गया है, पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड. दोस्तों हम क्वेश्चन टू पर पढ़ेंगे. क्वेश्चन टू है, इसके दो पॉइंट है, ए और बी. तो हम एक एक कैसे पढ़ेंगे. अब ए पढ़ते हैं. टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर. अब बी देखेंगे. कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिगिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी. हम सॉल्यूशन देखेंगे. सॉलिड्स हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम, उसका आयतन डिफिनाइट होता है. सॉलिड डू नॉट टेंड टू फ्लो, वो फ्लो नहीं कर सकते. सॉलिड्स आर रिगिड, खुरदुरा है. जनरली सॉलिड्स हैव अ डिफिनाइट शेप, शेप विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस लाइक स्पॉन्ज, रबर, बैंड यूटेसिम. यानी कि इनमें डिफिनाइट शेप होता है और विद वेरी वेरी एक्सेप्शंस लाइक स्पॉन्गी में होता है, रबर में होता है, बैंड ईटीसी एक्स्ट्रा. यानी अब हम देखेंगे लास्ट. सॉलिड आर जनरली इनकॉम्प्रेसिबल विद फ्यू एक्सप्रेशंस लाइक स्पॉन्जी, रबर, बैंड्स. इट इज वैसे इन सॉलिड इनकॉम्प्रेसिबल होता है, पर बहुत ही कम एक्सप्रेशंस कर सकते हैं हम, एक्सेप्ट लाइक स्पॉन्जी, रबर, बैंड्स एक्सेट्रा. अब लिक्विड का देखेंगे हम. लिक्विड ऑल्सो हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम, जो डिफिनाइट आयतन होता है उसका. लिक्विड्स टेंड टू फ्लो, लिक्विड्स फ्लो कर सकता है. लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, वो नहीं होता, खुरदुरा नहीं होता. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डिफिनाइट शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर. लिक्विड्स डिफिनाइट शेप नहीं हो सकता और उसे एक कंटेनर में डाला जा सकता है. लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, वो इनकम्प्रेसिबल होता है. अब गैसेस, गैसेस की बात करेंगे हम. गैसेस डू नॉट हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम, उसके डिफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता. दे आर वॉल्यूम वॉरीज विद द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर और कैप्ट. गैसेस ऑल्सो टेंड टू फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं. गैसेस आर नॉट रिज, वो खुद रहने होते. गैसेस डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप, डिफिनाइट शेप नहीं होता. गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, उसे कॉम्प्रेस्ड कर सकते हैं हम. हम नेक्स्ट देखेंगे बी. रिजिडिटी प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड एज रिजिडिटी. अब हम पढ़ेंगे रिजिडिटी के बारे में. प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिजिडिटी. यानी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट. सॉलिड्स आर रिजिड वेयर एज लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट. सॉलिड ही सॉलिड एक अकेला होता है जो रिज होता है और लिक्विड एंड गैस नहीं होते हैं. अब कॉम्प्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे. कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कॉम्प्रेस, मीन्स इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज. गैसेज आर कॉम्प्रेसिबल वेयर सॉलिड्स आर एंड लिक्विड्स आर नॉट. सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल हो जाता है गैस और सॉलिड और लिक्विड नहीं होता बस. अब हम पढ़ेंगे फ्लूडिटी के बारे में. फ्लोइंग टेंडेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड फ्लूडिटी. गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूड्स. सॉलिड नहीं होता, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, उनमें अट्रैक्शन बहुत होता है इसलिए वो फ्लूडिटी में नहीं आते. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. फिलिंग अ गैस कंटेनर. अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन अ गैस कंटेनर बाय कंप्रेसिंग इट अंडर वेरी हाई प्रेशर. द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज
इश्यूफुल इन द केस, यानी कि दोस्तों अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी फिल्ड, उसमें गैस हम कंप्रेस्ड हाई प्रेशर के वजह से हम एक कंटेनर में गैस कंप्रेस्ड कर सकते हैं। अब देखें शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डिफिनाइट ज्योमेट्री इज कॉल्ड शेप ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस सॉलिड हैव अ डिफिनाइट शेप वेयर गैसेस एंड लिक्विड्स डू नॉट हैव। गैस और लिक्विड्स के पास डिफिनाइट शेप नहीं होता, सॉलिड के पास होता है। अब काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। काइनेटिक द एनर्जी पोज्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और बाय द मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये सबसे ज़्यादा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस और इट्स मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पोज हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर दोस्तों आपने सबसे ज़्यादा गैस में पार्टिकल्स मूव करते हैं, जितने लिक्विड में नहीं करते हैं, ना ही सॉलिड में। सॉलिड में अट्रैक्शन मोड की अट्रैक्शन एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। अगर आपने देखा होगा आइस को हम जब पिघलाते हैं तो उसमें वो लिक्विड की अवस्था ले लेता है, तो वो थोड़ा बिखरने लगता है, इसे कहते हैं मूव होने लगता है। ये मूविंग एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। अब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। मैं ऊपर क्वेश्चन में भी इसका आंसर था द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। दोस्तों अब हम आगे आते हैं। डेंसिटी इक्वल मास एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे। गिव रीजन अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज कैप्ट। बी अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। See, a wooden table should be called a solid. D, we can easily move our hands in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. इसके यानी कि दोस्तों हम एयर में हम इजीली हाथ को मूव कर सकते हैं, पर सॉलिड में नहीं, उसमें हमें karate expert की जरूरत होती है। सॉल्यूशन ये हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। A gas fills completely the vessel in which it is kept. इसका solution force of attraction between the molecules of gases is negligible, so molecules of gases occupy the maximum space available to them. High kinetic energy possessed by their molecules also help for the same. ठीक है दोस्तों, अब हम भी पढ़ेंगे। A gas exert pressure on the walls of the container. बी का देखते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रैंडम एंड हैविंग वेरी हाई स्पीड इन द गैसेस स्टेट। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एग्जर्ट बाय द गैस इज ड्यू टू दिस फोर्स एग्जर्ट बाय दिस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब सी देखेंगे। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सी पर रॉन्ग। दोस्तों ध्यान से देखिए। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड एंड द इंटर मॉलिकुलर स्पेस इज द लीएस्ट। सो अ वुडन टेबल हैज डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। देखिए दोस्तों, सॉलिड के पास डिफिनाइट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है, इसलिए चेयर के पास भी डिफिनेट शेप है एंड वॉल्यूम है, सो इट इज कॉल्ड अ सॉलिड। अब डी देखेंगे। एक क्वेश्चन, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड्स इन एयर बट टू डू द सेम थ्रो सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। डी का आंसर देखेंगे। एयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू नेगलिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन देम। सो अवर हैंड गेट्स रिसेंट। दोस्तों मैंने आपको स्पेस एसी का है दोस्तों ऊपर वाले का, सो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। एयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू नेगलिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन देम। सो अवर हैंड्स गेट सफिशेंट स्पेस टू मूव इन एयर एंड वी ऑल्सो डिस्प्लेस सम एयर मॉलिक्यूल्स बाय अप्लाइंग फोर्स but a solid block of wood has closely packed molecules, so there is no question of the movement of hand through it in absence of suitable force and
प्रॉपर डायरेक्शन। दोस्तों इस एयर में स्पेस होता है, इसलिए हम आसानी से मूव करते कर सकते हैं अपने हाथ को, और सॉलिड में सवाल ही नहीं बनता कि उसमें मूव करेंगे, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन बहुत होता है। अब क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे हम। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। सॉल्यूशन देखेंगे हम। लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन एट ऑफ सॉलिड वाटर, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, सो इट शुड ऑल्सो हैव लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ सॉलिड दैट इज आइस। दोस्तों आगे पढ़ता हूँ मैं। बट द केस इज नॉट शो इन द रीजन फॉर द सेम इज द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट स्पेसिस बिटवीन द वाटर एच टू, मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे लिंक्ड इन आइस, द नंबर ऑफ दीज स्पीसीज कंपैरेटिवली लेस इन वाटर, इसमें कम होता है, बीइंग मोर पोर्शंस दैट वाटर देन वाटर, आइस इज लायर देन वाटर एंड फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। अब हम पेज नंबर 9 के पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ए 300K यानी केल्विन, बी 573K। सॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ गिवन फार्मूला वी कैन कन्वर्ट। दोस्तों आपको चैप्टर में फार्मूला मिलेंगे इसके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आंसर देखते हैं। 300 केल्विन माइनस 273 इक्वल्स टू 27 सेल्सियस। एक केल्विन 273 सेल्सियस यानी, सो हमने 300 केल्विन को माइनस किया 273, सो इक्वल्स टू 27 सेल्सियस। ऐसे हम 573 केल्विन को माइनस करेंगे 273 इक्वल्स टू 300 सेल्सियस। हम आगे क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 सेल्सियस, बी 100 सेल्सियस। सॉल्यूशन, दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सॉलिड हो जाता है, और जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर में तो वो लिक्विड में होने लगता है, फिर वेपर हो जाता है, तो सॉल्यूशन। एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेल्सियस, सो एट ए एट 250 सेल्सियस द स्टेट ऑफ वाटर विल बी स्टीम और वाटर वेपर, यानी वो वाटर वेपर भी हो सकता है और स्टीम हो सकता है, एग्जाम्पल गैसियस स्टेट है वो। बी एट 100 सेल्सियस देयर विल बी अ ट्रांजिशंस ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, पर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट, सो एट दिस टेम्परेचर द स्टेट इज मे बी लिक्विड एज वेल एज गैस, लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है। क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन 3 पे आ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। सो गाइस मैं दोबारा पढ़ता हूँ। सर फॉर एनी सब्सटेंस, वो भी सब्सटेंस के लिए, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। वेन अ सॉलिड इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, जिसमें सॉलिड लिक्विड मेल्ट होने लगता है सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी चीज़ जब वो मेल्ट होने लगती है तो, और वो भी वायुमान तापमान से, तो वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर फर्स्ट राइजेज एंड बिकम्स कॉन्स्टेंट वेन रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, नाउ ऑन फर्दर हीटिंग द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस हेल्प्स टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें भी है, दैट इज़ वाई द टेम्परेचर डज नॉट राइज। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, स्लेट है। आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 4,
अगर नहीं, क्वेश्चन 4, सजेस्ट अ मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। सॉल्यूशन है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। मतलब उसे लिक्विड में कैसे, बाय उसमें अगर हम प्रेशर को रिड्यूसिंग करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी, मतलब जो वायुमान तापमान जिस वेपर था वो लिक्विड में हो सकता है। अब पेज नंबर 10 में क्वेश्चन 1 देखिए, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि डेजर्ट कूलर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा देता है ऑन हॉट ड्राई गर्म समर सीजन में, तो इसके आपको पता है क्यों देता है? चलो आपको पता हो या ना पता हो तो फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अ डेजर्ट कूलर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो उसका इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होने लगेगी। एज इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन द डे इज हॉट एंड ड्राई सो द डेजर्ट कूलर फंक्शन टू अ बेटर एक्सटेंस। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इवेपोरेशन के इंक्रीज होने लगता है, इसलिए कूलिंग हवा में आने लगती है। अब क्वेश्चन 2 देखें, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट, यानी कि मटका, अपने गांव में देखा होगा शहर में भी, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। समर में वह बहुत जल्दी ठंडा, उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो बहुत ठंडा रहता है वो। अभी आपको मैं बता ही दे रहा दोबारा, ये भी वैसे ही डेजर्ट कूलर के तरह ही है, फिर भी दोबारा बता दे रहा। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट, यानी मटका, द वाटर स्टोर्ड इन अर्थन पॉट मटका यू ऑपरेट फास्टर थ्रू दिस पोर्स ड्यू टू द इंक्रीज एक्सपोज सरफेस एरिया एज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग द स्टोर्ड वाटर इनसाइड द अर्थन पॉट मटका बिकम्स कूल। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स इज प्रेजेंट, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स जो हमें दिखाई नहीं देते उसके सरफेस पर, पृष्ठ पर मटके के। द वाटर स्टोर इन अर्थ, जो वाटर होता है मटके के अंदर वो इवेपोरेट, उसमें वाष्पीकरण जल्दी होने लगता है। दिस पोर्स ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोज, ये इंक्रीज करने लगता है एक्सपोज सरफेस एरिया एज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉज। मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो कूलिंग भी ज़्यादा होगा, द स्टोर्ड वाटर इनसाइड, जो उसमें पानी होता है वो ठंडा होने लगता है। क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे, व्हाई डज अवर पाल्म फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम स्टोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। दोस्तों हमारी हथेली में जब हम कुछ पेट्रोल या स्टोन परफ्यूम डालते तो ठंडा होने लगता है, उसका क्या कारण है आइए देखते हैं। स्टोन पेट्रोल परफ्यूम एक्सेट्रा बींग वॉलिटाइल इवेपोरेट्स वेरी फास्ट व्हेन एक्सपोज टू लार्ज सरफेस ड्यूरिंग द प्रोसेस दे अब्सॉर्ब द रिक्वायर्ड लेटेंट हीट और वेपराइजेशन फ्रॉम द पाल्म इट कैप्ड ऑन पाल्म सो द प्रोसेस कॉज़ेस कूलिंग इन द पाल्म फील्ड्स कूल। यानी कि दोस्तों जब हम स्टोन पेट्रोल परफ्यूम डालते हैं तो उसका सरफेस होता है वो लार्ज होता है, इससे इवेपोरेशन बढ़ता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे अब्सॉर्ब द रिक्वायर्ड वेल लेते हैं लेटेंट हीट और वेपराइजेशन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब वो पिघल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द पाल्म, उसमें से हमारे हथेली में से लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण होने लगता है, सो इट द प्रोसेस कॉजेस कूलिंग, फिर वह ठंडा ठंडा लगता है और हमें भी वो ठंडा लगता है। क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ फॉसर रेदर देन अ कप। सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, अ लिक्विड हैज लार्ज सरफेस एरिया इन सॉस देन इन कप, दैट दस इट इवेपोरेट्स फास्टर एंड कूल फास्टर इन सॉस देन इन कप, फॉर दिस रीजन वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉस देन अ कप। दोस्तों आप ये तो समझ ही गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं आपको। मैं क्वेश्चन 5 पढ़ रहा हूँ, What type of clothes should be wear in summer?
अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हम कॉटन पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ सब हम पहनते हैं क्योंकि वह तो हमारा शर्ट जो बड़ी जल्दी हुई वो प्रेस करते हैं, और लाइटर लाइट कलर्स एब्जॉर्ब लेस ही, जो उसमें कम लाइट कलर होता है वो एब्जॉर्ब, वो कम गर्म कर कम हीट लेता है। ऑल्सो वेयरिंग लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ हेल्प अस फीलिंग कूल एंड कंफर्टेबल, और कॉटन क्लॉथ हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं। सो हम गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। एक्सरसाइज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों कीप वॉचिंग माई न्यू वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर एक्स। इन दोस्तों